पता नहीं उस मनहूस अजीज के चक्करों में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ डेरा डाला हुआ है इसने। ना अपनी इज्जत का ख्याल, ना रिश्तों का एहसास। तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद इसके इर्द गिर्द ना मंडराती नजर आना मुझे, समझी तुम? जाओ जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो। लेकिन अम्मी। चुप, जाके यूनिफॉर्म बदलो, जाओ जाओ। अरे वाह, क्या महफिल सजी हुई है। हाँ, बड़े मजे कर रहे हो सब। हाँ तो भाभी, मैं आती किस लिए? अरे मैंने कब मना किया, मैं तो यही चाहती हूँ कि भी और भतीजी खूब अच्छा सारा सा फन टाइम स्पेंड करें साथ में, है ना? और ये गर्मा गर्म रोज मैंने खुद बनाया है। अरे वाह, ये लो फहद, जल्दी से आओ खा लो। पहले खा लो, बाद में गेम्स खेलना। वैसे एक बात बताओ कुकी, तुम्हारा बेटा माशाल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, लेकिन बेटी ददियाल में ही रहती है। हाँ तो बेटे तो होते ही माँ होते हैं ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फूफो, आपको पता है अम्मी मुझे ना हर वक्त कहती रहती हैं कि कुकी फूफो के पास रहा करो। तो मैं भी तो आपके आस पास ही रहती हूँ। वैसे हमेशा ये कहती हूँ कि तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड कर ले अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही सीख लेगी ना तुमसे। अरे भाभी, मुझसे जो सीखना है वो तो ठीक है, पर असल में तो इसे आपसे सीखना चाहिए। आप कितने अच्छे तरीके से रहती हैं अपने ससुराल में। अरे कहाँ, जो सलीका तुम में है, जो हुनर तुम में है, मेरी फरियाल में थोड़ा सा भी आ जाए ना तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी माँ की ड्यूटी पूरी कर दी। हाय हाय।